नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपनी ननन से कुछ सीख। बहू अपनी ननन अमृत से कुछ सीख। दो बच्चे होने के बावजूद भी देखे सी उसने अपना पूरा घर को संभाल रखा है, और इतना काम करने के बावजूद भी देख उसका रहन सहन कितने अच्छे से रहती है। ससुराल में हर कोई इसकी तारीफ करता है। अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है, और एक तुझे देख, एक बच्चे में ही हालत कैसी हो गई। उसमें भी घर में साफ सफाई करने के लिए काम वाली लगा रखी है, लेकिन फिर भी शरीर इतना फैल गया है कि बोलते बोलते बिना ची चुप हो गई। ये तो बिना ची का रोज का ही था। बहू पूजा को तो इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। सुबह से शाम तक एक ही बात सुन सुनकर दिमाग ने सुना ही बंद कर दिया। वो बदसूरत अपने काम में ही लगी हुई थी। अब जल्दी कर फटाफट रोटियां सेक। अनिल को भी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। पता नहीं क्या करती रहती है दिन भर। इसका काम तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अरे हमने भी तीन तीन बच्चे पाले हैं, लेकिन काम में कभी कमी नहीं रखी। पीनाची बड़बड़ाती हुई हॉल में आकर बैठ गई। इधर पूजा अपनी 5 महीने की बेटी परी को अपने साथ ही रसोई में ले आई। साथ ही उसने पल्ले को भी पल्ले में उसे लेटा कर रोटियां सेकने लगी। रोटियां सेककर सबसे पहले अनिल और पापा जी को खाना खिलाया, और उन दोनों को ऑफिस के लिए रवाना किया। फिर बीना जी को खाना परोसा और उन्हें खिलाकर अपने लिए थाली लगाकर अपने कमरे में आ गई। साथ में परी को भी ले आई। परी अभी पार्ले में खेली रही थी, इसलिए पूजा ने फटाफट खाना खाना शुरू किया। अभी एक दो निवाले खाए ही थे कि इतने में छोटी कुंवारी ननन रेशमा भी अपने कमरे से निकल कर आ गई, और आते ही पूजा को आवाज़ लगा कर बोली, भाभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। खाना खाते हुए पूजा के हाथ रुक गए। जवान ननद है, अपना खाना खुद लगा कर खा नहीं सकती, उसके लिए भी खाना लगा कर देना पड़ेगा। आखिर पूजा खाना खाती खाती उठी और पहले रेशमा के लिए खाना लगा कर उसे परोस कर देकर आई। वापस खाना खाने बैठी तो घर की डोरबेल बज उठी। पता था दरवाजा उसी को खोलना है, तो उठकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुला तो सामने काम करने वाली रमा थी। रमा घर में आते से ही अपने काम पर लग गई। पूजा वापस अपने कमरे में गई और खाना खाने बैठ गई। इतने में बीना जी आकर बोली, पूजा अभी तक खाना नहीं खाया तुमने, कितनी देर हो गई तुम्हें बैठे हुए, धीरे धीरे समय वेस्ट करती रहती हो। मम्मी जी वो मैं रेशमा के लिए खाना परोसने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, खाना बाना खा पी कर तैयारी कर लेना। शाम को अमतक के घर जाना है, उसका देवर अच्छे नंबरों से पास हुआ है, इस कारण छोटी सी पार्टी रखी है उन्होंने। अभी अभी फोन आया था, और ढंग से तैयार हो जाना और जल्दी बता दिया है, समय से तैयार हो जाना। वैसे भी तुम्हें धीरे धीरे काम करने की आदत है, परी का कोई भी जरूरी सामान है वो भी साथ के साथ रख लेना, बाद में मत कहना कि मैं भूल गई थी। कहकर बिना छी जिस गति से कमरे में आई थी उसी गति से वापस चली भी गई। खैर पूजा ने अपना खाना खाया और बर्तन रखने रसोई में गई। बर्तन साफ करने लगी थी कि इतने में परी रोने लगी। कम बीच में छोड़कर ही पहले उसे संभालने के लिए आ गई। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। पूजा फटाफट सारे काम निपटा रही थी। आज वो अपनी सास को डांटने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, नहीं तो फिर पीना छी का क्या भरोसा, वो कहीं भी शुरू हो जाती हैं। खैर शाम को पूजा अपनी काम निपटाकर समय से तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाने लगी, तो ससुर जी ने आते से ही एक कप चाय की डिमांड कर दी। तब अनिल ने भी कहा, पूजा चाय बना ही रही हो तो सबके लिए ही बना लो, आज वैसे भी बहुत थक गई मैं। आखिर पूजा रसोई में सबके लिए चाय बनाने के लिए आ गई और चाय बनाकर सबको दे आई। पीना छी के कमरे में चाय देने गई तो पीना छी बोली, बहू मैं कहना भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी पापा जी ने फोन पर बताया था कि उनके पास जरूरी काम आ गया है तो वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए फटाफट से उनके लिए दाल बना दो और रोटी सेक दो, और थोड़ी जल्दी कर दो ताकि हम समय से रवाना हो सके। ठीक है मम्मी जी, मैं जब तक खाना बनाती हूँ आप परी को तैयार कर दो, ताकि मुझे भी समय मिल जाएगा और मैं समय से तैयार हो जाऊँगी।
अरे वो हमारी पसाती ही कहाँ है, वो तुम्हारी बेटी है, उसे तो तुम खुद ही तैयार करो। वैसे भी तो वो हर समय तुमसे ही चिपकी रहती है। आखिरकार बिना चीखा जवाब सुनकर पूजा मन महसूस कर रसोई में चली गई। उसे लग रहा था कि वो लेट हो जाएगी। उसने फटाफट रसोई में जाकर कुकर में दाल चढ़ाई और आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। फटाफट रसोई का काम निपटा कर अपने कमरे में गई और परी को तैयार किया। इतने में सब लोग तैयार होकर बाहर आ गए। अरे जल्दी चलो, अब क्या दीदी के ससुराल में लेट जाएंगे? रेशमा ने आवाज़ देती हुई कहा। हाँ हाँ बाबा, चल रहे हैं। बिना ची तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। मम्मी अभी थोड़ा वक्त लगेगा, पूजा तैयार हो रही है, अनिल ने कहा। तो बिना ची नाराज होते हुए बोली, मैंने इसीलिए सुबह कहा था कि समय से तैयार हो जाना। अब देखो उसी के कारण फिर से लेट हो जाएंगे। पता नहीं क्या सब काम हिलती हिलती करती है, कुछ सीखती क्यों नहीं है अमता से? कितने अच्छे ढंग से काम को संभालती है, मजाल की कोई काम थोड़ा भी लेट हो जाए। पूजा को भी अंदर ये सब सुनाई दे रहा था, पर फिर भी वो जैसे तैसे तैयार हुई और बाहर निकल कर आई। पिनाची ने उसे ऐसी घूर कर देखा जैसे मानो उसे ले जाकर कोई एहसान कर रही हो। खैर थोड़ी देर बाद सब लोग अमता के ससुराल पहुँचे। सभी मेहमान पहले ही आ चुकी थी। अमता ने उन्हें देखते ही कहा, क्या मम्मी आप लोग सबसे लेट आ रही हो? देखो सारे मेहमान आ चुके हैं, अब हम भी क्या कर सकते बेटा, तुम्हारी भाभी को तैयार होने में देर क्यों लगती है? माँ क्या बनी है, टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से भूल गई? बिना चीने तंज कसते हुए कहा। खैर वहाँ भी किसी ने परी को अपनी गोद में नहीं लिया, सब बतियाने में लगी रही और पूरे टाइम परी को पूजा ही संभालती रही। इस दौरान पूजा ने देखा कि अमतक के 10 महीने की बेटी को किस तरह अमतक के सास ससुर परिवार वाले संभाल रहे थे। अमतक फ्री होकर दूसरे काम आराम से कर रही थी, तभी बिना ची पूजा के पास आकर बोली, पूजा फटाफट से खाना खा लो, हमें घर भी चलना है। लेकिन खाना खाते समय परी रोने लगी। उसने अनिल से कहा कि परी को संभाल ले, लेकिन अनिल फोन का बहाना कर उठकर चला गया। रेशमा तो पूजा के पास ही नहीं आई। उसने उम्मीद से बिना ची की तरफ देखा तो बिना ची ने कहा, बहू ये तुम्हारा बच्चा है, इसे तुम ही संभालो। आखिर एक बच्चे को इसकी माँ ही बेहतर संभाल सकती है, कहकर बिना ची दूसरों से बातें करने लगी। आखिर भर पूजा परी के साथ ही खाना खाने बैठी, पर परी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए पूजा को खाना खाते खाते ही बीच में उठना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। घर आए तो परी सो चुकी थी। पूजा परी को अपने कमरे में लेटा कर रसोई में आई और अपने लिए दाल रोटी लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। ये क्या आते ही खाना शुरू? अरे तुम्हारा पेट है या क्या है, पता ही नहीं कितना खाती हो तुम, अनिल ने टोका। इसलिए खाकर फैलती जा रही है, अरे थोड़ा अपने शरीर पर भी ध्यान रखो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाकर आई थी, बिना ची ने कहा। मम्मी जी परी रोने लगी थी, इसलिए मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था, इसलिए दोबारा खाना खा रही हूँ। तुम्हें तो कुछ भी संभालना नहीं आता, अरे कुछ अमता से सीख। अगर अमता दीदी से सीखने की मुझे ज़रूरत है तो उनकी ससुराल वालों से सीखने की ज़रूरत आपको है। अमता दीदी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से वो उनके बच्चे को संभाल रही थी, जिसे दीदी आराम से दूसरे काम कर सके। किसी ने भी यह कहकर उनकी बच्ची को नहीं छोड़ा कि यह तुम्हारा बच्चा है, तुम ही संभालो। लेकिन हमारे घर में तो ये मैं यह उम्मीद कर ही नहीं सकती हूँ। वहाँ सब मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, पर यहाँ तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकती। अमता दीदी परफेक्ट है क्योंकि उनकी ससुराल वाले परफेक्ट हैं, पर यहाँ तो कुछ भी कहना ही बेकार है, कहकर पूजा अपनी थाली लेकर कमरे में चली गई। पीछे बिना ची मुँह फोला कर बैठ गई। आखिर आज उनकी बहू ने उन्हें आईना छू दिखा दिया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।